जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग 101 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो आज का पहला वन वर्ड है कि ए बैकवर्ड लुक और ए व्यू इनटू द पास्ट। इसको क्या बोलते हैं? रेट्रोस्पेक्ट बोलते हैं इसको। रेट्रोस्पेक्ट बोलते हैं ए बैकवर्ड लुक और ए व्यू इनटू द पास्ट। अगला क्वेश्चन है ए कैरियज फॉर सिक पीपल। तो जो एक कैरियज होता है वो सिक पीपल के लिए होता है, उसे क्या बोलते हैं? एम्बुलेंस बोलते हैं। अगला है ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, यानी एक चाइल्ड का जो बोर्न जो जन्म होता है उसके पिता के मरने के बाद होता है, उसे क्या बोलते हैं? पोस्थ्यूमस चाइल्ड। पोस्थ्यूमस चाइल्ड बोलते हैं जो जो बच्चा जो है वो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा होता है, यानी आफ्टर द डेथ पैदा होता है, उसे बोलते हैं पोस्थ्यूमस चाइल्ड। अगला है ए डाउटफुल लुक और एग्जामिनेशन ऑफ वंस मोटिव्स। तो इसका जो मतलब होगा वो हो जाएगा सस्पेक्ट करना, यानी कोई किसी को डाउटफुल लुक देना या एग्जामिनेशन करना, उसका मतलब होता है सस्पेक्ट करना। अगला है पाँच नंबर ए फॉरवर्ड लुक और ए व्यू इनटू फ्यूचर, यानी जो एक फॉरवर्ड लुक है और व्यू इनटू फ्यूचर का मतलब होता है प्रोस्पेक्ट करना, इसका जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोस्पेक्ट, ठीक है। और अगला है छः नंबर ए ग्लास कंटेनर इन विच फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स कैन बी केप्ट, यानी एक ग्लास कंटेनर होता है इसके अंदर जो फिश और वाटर एनिमल्स है उनको रखा जाता है, उसे बोलते हैं एक्वेरियम। एक्वेरियम कहा जाता है ग्लास कंटेनर होता है जिसके अंदर फिश और जो अन्य जो वाटर एनिमल्स है उन्हें रखा जाता है। अगला है सात नंबर ए हाईली एक्यूरेट टाइम पीस, यानी जो हाईली एक्यूरेट टाइम पीस होता है उसे क्या बोलते हैं? क्रोनोमीटर, इसे बोला जाता है क्रोनोमीटर कहा जाता है हाईली एक्यूरेट टाइम पीस को। अगला है ए मशीन दैट फंक्शंस बाय इटसेल्फ, यानी जो एक ऐसी मशीन जो अपने आप काम करती है उसे बोलते हैं ऑटोमेटिक। अगला है नौ नंबर ए पर्सन वो बिलीव्स इन गोइंग आउट नेक्ड, यानी एक ऐसा इंसान जो नंगा बाहर जाने में विश्वास रखता हो, तो इसे बोलते हैं न्यूडिस्ट। इसे क्या बोलते हैं? न्यूडिस्ट बोलते हैं जो इंसान नंगा बाहर जाने में विश्वास रखता हो। अगला है दस नंबर ए पर्सन विथ रिफाइंड टेस्ट इन फूड एंड वाइन, यानी जो कि फूड और वाइन के अंदर जो रिफाइंड टेस्ट रखता हो, यानी एक अलग ही तरह का टेस्ट रखता हो, यानी उसे बोलते हैं एपिक्यूर, और इसको हिंदी में बोलते हैं स्वाद लोलुप। स्वाद लोलुप यानी जो कि बहुत ज़्यादा तुनक मिजाज टाइप का आदमी होता है उसे बोलते हैं एपिक्योर। अगला है ग्यारह नंबर ए फिजिशियन वो स्पेशलाइजेज इन हार्ट डिजीज़, यानी हार्ट डिजीज़ के अंदर जो स्पेशलिस्ट होता है वो कौन होता है? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट होता है जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट होता है। बारह नंबर है ए फिजिशियन वो स्पेशलिस्ट इन डिजीज़ ऑफ स्किन, तो स्किन की डिजीज़ के अंदर कौन होता है? डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट होता है फिजिशियन जो कि स्किन का इलाज करता है। तेरह नंबर है ए फिजिशियन या सर्जियन डीलिंग विथ डिजीज ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका जो स्पेशलिस्ट है या सर्जन है वो कौन होता है? गायनेकोलॉजिस्ट, इसे बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। चौदह नंबर है ए प्लेस फॉर फीट और स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, यानी जो खड़ा होने के लिए या भाषण देने के लिए जो प्लेटफॉर्म होता है उसे बोलते हैं पोडियम, यानी इसको हिंदी बोलेंगे मंच। मंच बोला जाता है या पोडियम बोला जाता है। पंद्रह नंबर है ए प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स आर एग्जिबिटेड, यानी ऐसा प्लेस जहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें उनकी प्रदर्शनी लगवाई जाती है, तो उसे बोलते हैं म्यूजियम। म्यूजियम कहा जाता है किसको? जो प्रदर्शनी किसी ऑब्जेक्ट्स की लगवाई जाती है उसे बोलते हैं म्यूजियम। सोलह नंबर है ए सेल्फ मूविंग व्हीकल, जो सेल्फ मूविंग व्हीकल होता है उसे बोलते हैं ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल इसका सही आंसर करके आना है। और सत्रह नंबर है ए सिग्नेचर ऑफ ए सेलिब्रिटी, यानी सेलिब्रिटी का जो सिग्नेचर होता है उसे क्या बोलते हैं, या जो खुद हम साइन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑटोग्राफ बोलते हैं। ऑटोग्राफ बोलते हैं जिसे खुद जो साइन हम करते हैं। अगला है ए स्लीपिंग रूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल, यानी जो स्लीपिंग रूम होता है वो नंबर ऑफ पीपल यानी बहुत सारे लोगों के लिए स्लीपिंग रूम होता है उसे बोलते हैं डोरमिटोरी। डोरमिटरी बोलते हैं, डोरमिटोरी बोलते हैं। अगला है उन्नीस नंबर ए स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, यानी जो ऐसा जो परफेक्ट जो स्टेट है यानी ऐसी स्थिति जिसके अंदर परफेक्ट हम बैलेंस कर ले उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अगला है 20 नंबर ए सिस्टम ऑफ गवर्निंग ए कंट्री सजेस्टिंग ए फादर चाइल्ड रिलेशन, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर फादर चाइल्ड रिलेशन को ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है, तो इसे बोलते हैं पेट्रिनलिज्म। पेट्रिनलिज्म इसको बोला जाता है। 21 नंबर है ए रिटन मैसेज फ्रॉम फार ऑफ प्लेस, यानी एक ऐसा रिटन मैसेज जो कि घर से या कहीं से दूर रहने पर भेजा जाता था, इसे बोलते हैं टेलीग्राफ। टेलीग्राफ बोलते हैं इसको फार फ्रॉम पैलेस। अगला 22 नंबर है अकाउंट ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय अनदर,
यानी अकाउंट ऑफ पर्सन्स जो लाइफ है उसकी किसी अन्य के द्वारा लिखी गई है, तो इसे बोलते हैं बायोग्राफी या जीवन कथा। जीवन कथा बोला जाता है या बायोग्राफी बोला जाता है। अगला है अकाउंट ऑफ पर्सन्स, ये तो हो गया ऑटोबायोग्राफी। और 24 नंबर है एक्ट ऑफ एंडिंग वंस लाइफ, यानी एक्ट ऑफ एंडिंग वंस लाइफ यानी खुद की जो लाइफ है वो समाप्त कर लेना, उसे बोलते हैं सुसाइड या आत्महत्या। अगला है एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाई हैंड, तो एक ऐसा एक्सपर्ट जो राइटिंग से जो हैंड से जो राइटिंग है वो बहुत सुंदर लिखता है, इसे बोलते हैं यहाँ पर होगा कैलीग्राफर। कैलीग्राफर इसका जो राइट आंसर, ये गलत है, कैलीग्राफर ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलीग्राफर। अगला है 26 नंबर एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट पासेज एंड वन कैन सी थ्रू, यानी इसका जो राइट जो हो जाएगा इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, यानी एक ऐसा जो ऑब्जेक्ट जिससे आर पार हम देख सके, विच लाइट पासेज एंड वन कैन सी थ्रू इट, थ्रू इट इसका मतलब हो गया ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। 27 नंबर है एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट पासेज बट पीपुल कांट सी कैन नॉट सी अक्रॉस क्लियरली, तो इसका मतलब हो जाएगा ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट होता है अपारदर्शी, यानी इसके आर पार हम नहीं देख सकते, और जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, और जिसके पार पार नहीं देख सकते उसे बोलते हैं अपारदर्शी। अगला है एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर प्रोजेक्टिंग वेरियस सेलेस्टियल इमेजेस एंड इफेक्ट्स, तो एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस जो प्रोजेक्टिंग करता है किसकी, सेलेस्टियल इमेजेस यानी बहुत बड़ी इमेजेस की और इफेक्ट्स की, तो उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्लेनेटी रेरियम। अगला है एन ऑर्गन ऑफ बॉडी कट ऑफ बाय सर्जरी, यानी एक ऑर्गन है बॉडी का उसे कट किया गया सर्जरी के द्वारा, तो इसे क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं एम्प्यूटेशन बोलते हैं शल्य चिकित्सा। अगला 30 नंबर है एनिमल दैट ईट्स फ्लेश और अदर एनिमल्स, यानी एक ऐसा एनिमल जो कि ईट्स करता है फ्लेश को, यानी फ्लेश यानी मांस, मांस को खाता है, तो उस ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोला जाता है ऐसे एनिमल्स को ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है 31 नंबर है एनिमल्स दैट कैन लाइव ऑन लैंड एंड वाटर, यानी दोनों जगह रह सकते हैं लैंड पर भी और वाटर भी, तो इसे बोलते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस बोलते हैं किसको, जो लैंड पर भी रह सके और वाटर में भी रह सके ठीक है। अगला देखते हैं, अगला 32 नंबर है बिलोंगिंग टू वंस एंसेस्टर्स या एंसेस्ट्रल, तो एंसेस्टर्स से बिलोंगिंग करने वाले को क्या बोलते हैं, यानी जो प्राचीन काल से होते हैं उन्हें बोलते हैं एंसेस्ट्रल। एंसेस्ट्रल बोला जाता है जो बिलोंगिंग करते हैं प्राचीन काल से ठीक है। अगला देखते हैं 33 नंबर है बुक कंटेनिंग ऑल द पब्लिश्ड वर्क ऑफ एन ऑथर, तो एक ऐसी बुक जो सभी जो ऑथर है उसके सारे जो काम किए हैं उसने पब्लिश किए हैं काम, वो उसको एक बुक के अंदर कंटेन करता है यानी उसके अंदर रखता है, तो इसे बोलते हैं ओमनी बस इसको बोला जाता है। अगला है कैपेबल ऑफ मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, यानी कैपेबल ऑफ मूविंग इन ऑल डायरेक्शन का मतलब है कि ऐसा इंसान जो सभी ऐसी वस्तु या ऐसा इंसान जो सभी वस्तु सभी दिशाओं के अंदर यानी ऑल डायरेक्शन के अंदर मुड़ सकता है या मूविंग कर सकता है उसे बोलते हैं ओमनी डायरेक्शनल इसको बोला जाता है ठीक है। अगला है 35 नंबर चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स, तो इसको बोलते हैं ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ ठीक है, ऑर्फन का मतलब हो जाता है अनाथ, चाइल्ड जिसके पेरेंट्स नहीं है उसको बोला जाता है ऑर्फन ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिजर्विंग ब्लेम फॉर एन ऑफेंस और क्राइम, यानी एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर कोई अपराध करने या क्राइम करने का ब्लेम लगाया गया है, तो ब्लेम लगाने को क्या बोलते हैं, कल्पेबल, तो इसका राइट आंसर जो सही आंसर सही मतलब हो जाएगा क्या हो जाएगा, कल्पेबल। कल्पेबल बोला जाता है हिंदी में बोला जाता है अभियुक्त, अभियुक्त इसको बोला जाता है कल्पेबल। अगला 37 नंबर डिजीज़ प्रिविलेंट इन ए पर्टिकुलर लोकेलिटी, यानी डिजीज़ जो ऐसी डिजीज़ जो एक पर्टिकुलर यानी एक ऐसे इंसान ऐसी जगह के अंदर 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 होती है उसे बोलते हैं एंडेमिक। अगला है डिजीज़ दैट इफेक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया एट द सेम टाइम, यानी एक सेम टाइम के अंदर बहुत सारे एरिया के अंदर फैल जाती है, तो इसे बोला जाता है क्या बोला जाता है, एपिडेमिक। एपिडेमिक इसका सही आंसर हो जाएगा। डिजीज़ दैट स्प्रीड्स बाई कॉन्टेक्ट, यानी कॉन्टेक्ट से जो फैलने वाली कौन सी हो जाएगी, कॉन्टेजियस, इससे राइट आंसर याद कर सकते हैं कॉन्टेजियस कॉन्टेक्ट ठीक है। अगला है डिजीज़ दैट स्प्रीड बाई मीन्स ऑफ
जम्स कैरिड इन द एटमोसफेयर, यानी जम्स जो के होते हैं एटमोसफेयर के अंदर, इनके द्वारा जो स्प्रेड होती है इसे बोलते हैं इन्फेक्शियस, यानी इन्फेक्शन होता है इन्फेक्शियस से, इस इन्फेक्शन से बना है इन्फेक्शियस, जो कि स्प्रेड होती है किससे, जर्म्स से, बैक्टीरिया जो होते हैं एटमोसफेयर के अंदर उनसे फैलती है। और अगला 41 नंबर है, ड्रामेटिक सीन इन विच ए पर्सन स्पीक बाई हिमसेल्फ, यानी एक ड्रामेटिक स्पीच जो होती है, सीन होता है, इसके अंदर इंसान जो है खुद बोलता है, तो इसे बोलते हैं मोनोलॉग, यानी खुद अकेले का एक मोनोलॉग होता है, डायलॉग दो लोगों के बीच में होते हैं। अगला है 42 नंबर है, इजी टू कैरी ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, यानी एक जो ऐसी चीज़ जो हम कई कई लंबी दूरी तक हम इसे ईजी कर सकते हैं, सॉरी कैरी कर सकते हैं, तो जो कैरी करने के लिए ईजी होती है उसे बोलते हैं पोर्टेबल। तो इसी कारण जो छोटे कंप्यूटर यानी मोबाइल फ़ोन वगैरह होते हैं तो इन्हें बोलते हैं पीसी, पोर्टेबल कंप्यूटर्स, तो इसे इसीलिए पोर्टेबल इसे कहा जाता है। अगला है इजी टू सेव इन ए डिजायर्ड फॉर्म, यानी इजी टू सेव यानी किसी भी तरह की सेव के अंदर जो है वो आ सकता है, तो इसे बोलते हैं मेलिएबल, तो इसका सही जो हो जाएगा मेलिएबल इसका सही अर्थ हो जाएगा। अगला है 44 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जामिन वंस मोटिव्स और लुक इनवर्ड्स, यानी एग्जामिन करना किसी के मोटिव्स को और उसके लुक इनवर्ड्स करना, तो इसका मतलब हो जाएगा इंट्रोस्पेक्ट, तो इसका जो सही मीनिंग है इंट्रोस्पेक्ट है। अगला है फादरहुड, फादरहुड का मतलब क्या हो जाएगा पैटर्निटी, पैटर्निटी इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगला है फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इंसाइटमेंट और सेल्फ जनरेशन और हैपनिंग विदाउट एक्सटर्नल कोज, यानी एक ऐसी चीज़ जो फ्री होती है किससे, एक्सटर्नल इंसाइटमेंट से और सेल्फ जनरेशन और हैपनिंग विदाउट एक्सटर्नल कोज, तो इसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, यानी जो चीज़ अपने आप होती है इसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। अगला है गवर्नमेंट बाई डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट्स, यानी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स से बनी होती है उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे याद कर लेना। अगला है 48 नंबर है गवर्नमेंट बाई नोबिलिटी, तो जो गवर्नमेंट होती है नोबिलिटी से बनी होती है, यानी आदर्शवादी जो होती है सरकार उसे बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी यानी भले लोगों की जो सरकार होती है एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। अगला है गवर्नमेंट बाई वन एब्सोल्यूटली, तो गवर्नमेंट जो होती है एक इंसान की जो गवर्नमेंट बन जाती है उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी या एक तंत्र इसे बोला जाता है एक तंत्र। अगला है गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, यानी गवर्नमेंट बाई जो राजा महाराजा की एक राजा महाराजा की टाइप की जो गवर्नमेंट होती थी पहले ज़माने में उसे बोलते हैं मोनार्की, ठीक है। अगला 51 नंबर है गवर्नमेंट बाई द पीपल, तो गवर्नमेंट जो लोगों की जो सरकार होती है उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र बोला जाता है डेमोक्रेसी को। अगला है इन ए स्टेट ऑफ अपारेंट इनएक्टिविटी बट कैपेबल ऑफ बीइंग इजीली कॉल्ड इनटू एक्शन, तो इसको बोलते हैं डोरमेंट, यानी एक स्टेट ऐसी में जिसमें इनएक्टिविटी के अंदर कोई चीज़ रहती है और इन बट कैपेबल ऑफ बीइंग यानी थोड़े समय के बाद कॉल्ड इनटू एक्शन यानी थोड़े समय के बाद एक्शन के अंदर आ सकती है, तो इसे बोलते हैं डोरमेंट। अगला है इंट्रोडक्टरी पार्ट और लाइन्स टू ए डिस्कोर्स और प्ले, तो इसका मतलब हो जाएगा प्रोलॉग, इंट्रोडक्टरी पार्ट और लाइंस टू ए डिस्कोर्स और प्ले, इसका मतलब या मीनिंग होता है प्रोलॉग। अगला है लास्टिंग ओनली फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट, यानी थोड़े समय के लिए जो रहने वाली चीज़ होती है ब्रीफ समय के लिए उसे बोला जाता है ट्रांजिएंट, ठीक है। अगला है लिविंग ऑन ग्रास, तो इसका मतलब हो जाएगा हर्बीवोरस जो होते हैं वो लिविंग ऑन ग्रास, इसको बोलते हैं हर्बीवोरस को। अगला है लव फॉर मैनकाइंड, तो लव फॉर मैनकाइंड यानी मनुष्य के लिए जो दया का भाव होता है उसे बोलते हैं फिलेंथ्रोफी, फिलेंथ्रोफी इसको बोला जाता है लव फॉर मैनकाइंड। अगला है मेक टू हैपन एट द सेम टाइम, यानी एक सेम टाइम के अंदर दो चीज़ें अगर होती है तो उसे बोला जाता है क्या सिंक्रोनाइज बोला जाता है मेक टू हैपन एट द सेम टाइम। अगला है मैन हुज वाइफ हैज़ डाइड एंड हु हैज़ नॉट रीमैरिड, यानी एक ऐसा इंसान जिसकी वाइफ की मृत्यु हो जाती है और वो कभी शादी नहीं करता है यानी दोबारा शादी नहीं करता है उसे बोलते हैं विडोवर, विडोवर बोलते हैं, और विडो किसको बोलते हैं जिसका पति मर गया हो, वोज हजबेंड इज डाइड, ठीक है। मैपिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स फॉर्मेशन, यानी जो अर्थ की मैपिंग है और इसके फॉर्मेशन है इसकी अर्थ की मैपिंग करना इसे बोलते हैं जियोग्राफी, जियोग्राफी बोलते हैं अर्थ की मैपिंग एंड इट्स फॉर्मेशन।
अगला है मेडिसिन दैट लूजन्स द बोवेल्स, तो ऐसी मेडिसिन जो पेट को हल्का करे यानी लूजन्स द बोवेल्स, तो इसे बोलते हैं लेग्जेटिव, लेग्जेटिव बोलती है मेडिसिन दैट लूजन्स द बोवेल्स। अगला है मेडिसिन यूज टू काम और पेसीफाई, पेसीफाई मतलब शांत करना, पेसीफाई का मतलब है काम करना या शांत करना, तो इसे बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं ऐसी मेडिसिन जो हमें शांत करती है। अगला है वन हु बिलीव्स इन रूथलेस सेल्फ सेल्फ एग्रेंडिजमेंट, तो इसे बोलते हैं इगोइस्ट, एक ऐसा इंसान जो खुद में रूथलेस होता है और सेल्फ एग्रेंडिजमेंट होता है तो उसे बोलते हैं इगोइस्ट। अगला है वन हु बिलीव्स इन द थ्योरी ऑफ ओनली वन गॉड, तो एक ऐसा इंसान जो एक गॉड के जो थ्योरी होती है उसके अंदर विश्वास रखता है तो उसे बोलते हैं मोनोथीस्ट, मोनोथीस्ट जिसको बोला जाता है। अगला 64 नंबर है वन हु कैन बी इजिली ड्यूप्ड और फूल्ड बाई एनी स्विंडलर, यानी एक ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी जो धोखा खा जाता है किसी से भी या उसे मूर्ख बनाया जा सकता है तो उसे बोलते हैं गलीबल, इसे बोला जाता है गलीबल। अगला है वन हु कंसील्स हिज आइडेंटिफाई एज ए राइटर अंडर एज एस्यूम्ड फर नेम, यानी एक ऐसा इंसान जो अपना नाम छुपा कर रखता है या राइटर जो अपना नाम नहीं बताता है उससे बोलते हैं स्यूडोनिम, यानी अननोन जो नेम होता है स्यूडोनिम यानी छुपा हुआ नेम। अगला है वन हु ईट ओनली फ्रूट्स, यानी एक ऐसा इंसान या जानवर जो ओनली फ्रूट्स खाता है तो उसे बोलते हैं फ्रूटेरियन, फ्रूटेरियन उसे बोलते हैं वन हु ईट ओनली फ्रूट्स। अगला है वन हु ईट्स एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब हो जाएगा ओमनीवोरस, जो सारी चीज़ें खाता है उसे बोलते हैं ओमनीवोरस। अगला है वन हु ईट्स नो एनिमल फ्लेश, यानी कोई एनिमल फ्लेश यानी मांस नहीं खाता उसे बोलते हैं वेजिटेरियन, और जो जो फ्लेश खाता है उसे बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन। अगला है वन हु इज ऑल नोविंग, यानी सारी चीज़ें उसको पता है तो इसे बोलते हैं ओमनी साइंट बोलते हैं। अगला है वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी पावरफुल पोटेंट तो ओमनी पोटेंट, ओमनी का मतलब होता है ऑल और पोटेंट का मतलब पावरफुल, ठीक है। अगला है वन हु इज प्रजेंट ऑल ऑल ओवर, तो इसका मतलब हो जाएगा वन हु इज प्रजेंट ऑल ओवर, तो ओमनी प्रजेंट यानी ओमनी यानी सब जगह और प्रजेंट यानी सब जगह उपस्थित। वन हु लव्स हिज कंट्री, तो कंट्री को लव करने वाला कौन होता है पेट्रियोट, देशभक्त बोलते हैं पेट्रियोट को। अगला है 73 नंबर वन हु लव्स विजडम हैंस परस्यूज इट, यानी एक ऐसा इंसान जो विजडम को लव करता है यानी प्रेम करता है, स्नेह करता है विजडम को, तो इसे बोलते हैं फिलोसोफर, फिलोसोफर इसको बोला जाता है। अगला है 74 नंबर वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज नॉट, यानी एक ऐसा इंसान जो ये प्रिटेंड करता है लेकिन वो खुद वो चीज़ होता नहीं है, तो इसे बोलते हैं हाइपोक्रिट, हाइपोक्रिट या पाखंडी इसको बोला जाता है पाखंडी। अगला है वन हु टर्न्स हिज थॉट इनवर्ड्स, यानी एक ऐसा इंसान जो अपने थॉट्स है इनको अपने अंदर ही रखता है तो इसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट बोला जाता है ऐसे इंसान को। अगला है वन हु टर्न्स हिज थॉट्स आउटवर्ड्स, तो इनवर्ड्स का तो हो जाएगा इंट्रोवर्ट और आउटवर्ड्स का हो जाएगा एक्स्ट्रोवर्ट, जो अपने विचारों को अभिव्यक्त बहुत जल्दी कर देता है। अगला है वन विथ अल्टीमेट पावर, तो एक ऐसा इंसान जिसके पास अल्टीमेट पावर है तो उसे बोलते हैं ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट बोलते हैं अल्टीमेट पावर को, अनलिमिटेड पावर या अल्टीमेट पावर। अगला है ऑर्गेनिजम्स दैट ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज फीड्स एंड इज शेल्टर्ड ऑन और इन ए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वाइल कंट्रीब्यूटिंग नथिंग टू द सर्वाइवल ऑफ इट्स होस्ट, तो इसे बोलते हैं पैरासाइट, जो किसी दूसरी चीज़ के ऊपर या ऑर्गेनिज्म के ऊपर दैट ग्रोज यानी इसके ऊपर खाना खाता है और इसके अंदर छांव लेता है या इसके अंदर आश्रय लेता है और इसका इसके अंदर कंट्रीब्यूट कुछ भी नहीं करता, तो इसे बोलते हैं पैरासाइट या परजीवी, यानी दूसरों के ऊपर जीवन अपना जीता है। अगला है 79 है पर्सन वू अब्सटेंस फ्रॉम ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट आज का क्वेश्चन है, टी टोटलर इसको बोलते हैं, टी टोटलर जो कि सारी अब्सटेंस यानी सारी एल्कोहलिक ड्रिंक्स है उससे अब्सटेन करता है, परहेज करता है। 80 नंबर का क्वेश्चन है पर्सन वू बिलीव्स इन गॉड, तो इसका राइट जो सही आंसर मतलब हो जाएगा थीस्ट, थीस्ट इसको बोलते हैं जो बिलीव्स करता है गॉड के अंदर, ठीक है, इसको बोलते हैं थीस्ट और एथीस्ट बोलते हैं जो गॉड के अंदर बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। अगला है पर्सन वो डज नॉट बिलीव, तो इसका हो जाएगा एथीस्ट, और पर्सन वो नोज और कैन स्पीक मैनी लॉन्ग लैंग्वेज, तो इसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। अगला है पर्सन वो लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ एवरीथिंग, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी। अगला है पर्सन वो लुक्स एट द डार्क साइड, तो इसको बोलते हैं पेसिमिस्ट, इसको बोलते हैं पैसिव, पैसिव यानी निराशावादी, ठीक है। अगला है पर्सन वो लव्स मैनकाइंड, तो इसको बोलते हैं पैलिंथ्रोपिस्ट,
फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं जो लव लव करता है किसको, मैन काइंड को, यानी मानव जाति से प्रेम करने वाले को क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावर ऑफ रीडिंग द थॉट्स और माइंड ऑफ अदर्स, यानी ऐसी जो रीडिंग या माइंड, ऐसी पावर जो रीडिंग कर लेती है दूसरों के माइंड को, तो इसे बोलते हैं टेलीपैथी बोला जाता है। अगला है, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग ओनली वन वाइफ और हस्बैंड एट ए टाइम, तो एक ऐसी जो प्रैक्टिस है, जो मतलब इसका मतलब हो गया कि एक ही वाइफ होती है या एक ही हस्बैंड होता है एक समय में, तो इसे बोलते हैं मोनोगेमी। अगला है, प्रैक्टिस ऑफ सेवरल मैरिजेस, तो इसका मतलब हो जाएगा पॉलीगेमी, एक का हो जाएगा मोनोगेमी और एक से ज़्यादा हो जाएगा पॉलीगेमी। अगला है, रेजिडिंग इन ए कंट्री ऑफ विच वन इज़ नॉट येट ए फुल फ्लेज्ड सिटीजन, यानी ऐसा इंसान जो एक फुल फ्लेज्ड सिटीजन नहीं है, यानी उस एक शहर का इंसान नहीं है और कहीं से आया हुआ है, तो इसे बोलते हैं एलियन। अगला है, सेल्फ रूल और कंट्रोल, तो इसे बोलते हैं ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी बोलते हैं सेल्फ रूल और कंट्रोल। अगला है, सिमल्टेनियसली अफेक्टेड बाई सिमिलियर फीलिंग्स, यानी सारी चीज़ें सेम होती है, उसे बोलते हैं सिम्पैथी, सिम्पैथी बोलते हैं। अगला 92 नंबर है, 92, समथिंग ऑक्यूरिंग एट इरेगुलर इंटरवल एट ए टाइम और ओकेजनली, तो इसका मतलब हो जाएगा स्पोरेडिक, यानी कभी कभी जो एट इरेगुलर मतलब कभी कभी हो रहा है, तो इसे बोलते हैं स्पोरेडिक। 93 है, समथिंग और समवन मेक्स यू फील डीप सैडनेस और पिटी, तो एक ऐसी चीज़ जो आपको फील डीप सैडनेस कराती है और पिटी फील कराती है, तो इसका मतलब हो जाएगा पैथेटिक, पैथेटिक इसका सही मतलब हो जाएगा। 94 नंबर का है, स्पेशलिस्ट इन बोन और स्केलेटोन डिसऑर्डर्स, तो एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो बोन और स्केलेटोन का डिसऑर्डर को सही करता है, तो इसे बोलते हैं ऑर्थोपेडिशियन, ऑर्थोपेडिशियन इसको बोलते हैं। अगला है, 95 है, स्पेशलिस्ट ऑफ डिजीज ऑफ इन्फेंट्स, यानी छोटे बच्चों का इन्फेंट्स मतलब होता है शिशु, छोटे जो शिशु होते हैं, छोटे बच्चे, उनका जो होता है पेडिट्रिशियन बोलते हैं, पेडिट्रिशियन। और 96 है, स्पेशलिस्ट ऑफ आई डिजीजेज, तो आई डिजीज़ का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे बोलते हैं ऑफ्थेलोमोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो आई डिजीज़ का होता है इसको बोलते हैं ऑफ्थेलोमोलॉजिस्ट। अगला 97, स्टेट ऑफ कंप्लीट कंटिनेंस ऑन द पार्ट ऑफ ए वुमेन, तो इसको बोलते हैं वर्जिनिटी, यानी एक कंप्लीट कंटिनेंस ऑन द पार्ट ऑफ ए वुमेन को बोलते हैं वर्जिनिटी बोलते हैं इसको। और 98 है, स्टडी ऑफ ए सेलेस्टियल बॉडी, यानी सेलेस्टियल का मतलब होता है बहुत बड़ी चीज़ें, तो इसकी जो बड़ी बड़ी उपग्रह वगैरह होते हैं इनकी जो स्टडी होती है इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडी को। 99 का है, स्टडी ऑफ अर्थ एंड रॉक्स, तो इसको बोलते हैं जियोलॉजी, यानी अर्थ एंड रॉक्स की जो स्टडी की जाती है उसे बोलते हैं जियोलॉजी। और स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, यानी जो उड़ते हुए एरोप्लेन्स है इनकी स्टडी की जाती है एविएशन के अंदर, इसे बोलते हैं एविएशन। और आज का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज का, स्टडी ऑफ हेरिडिटरी जीन्स एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी हेरिडिटरी जीन्स और उनकी वेरिएशन की जो ऑर्गेनिजम्स होती है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। तो ये थे आज के 101 क्वेश्चंस, ये आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें एंड लाइक करें, एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।